करें मेरी चैनल विथ रजनी को और मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आज मैं आपके साथ पिंपल को रिमूव करने की होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये होम रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि एक ही रात में आपको पिंपल एक्ने से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको बहुत बड़े पिंपल हो रहे हैं तो ये 2 दिन में अपना रिजल्ट दिखा देगा और ये बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको कहीं पार्टी में या कहीं फंक्शन में बाहर जाना हो और अगले दिन आपके फेस पर पिंपल हो गए हो तो इस रेमेडी को बनाकर आप इसे लगाकर ओवरनाइट रखें। सुबह उठकर देखेंगे कि आपके पिंपल बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है दालचीनी। ये मैंने दालचीनी का पाउडर कर दिया है और आधी छोटी चम्मच लिया है। ये पाउडर मैंने घर पर ही बनाया है, इसे कूट लिया है और ये पाउडर घर पर ही बनाया है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो पिंपल को रिमूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आधी छोटी चम्मच नींबू का रस, और 1/4 छोटी चम्मच शहद, ये मैंने पतंजलि का लिया है तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को जहां जहां आपके फेस पर पिंपल हुए हैं वहां पर आप इस तरह से डॉट कीजिए और ये डॉट करके आपको इसको ओवरनाइट रखना है और आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपके पिंपल रिमूव हो गए हैं। इसमें लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस में साइट्रिक एसिड है जो डार्क स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करता है। इसके कारण जो पिंपल के एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, वो भी इस रेमेडी से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको बड़ी साइज के पिंपल हो रहे हो तो इस रेमेडी को आप 2 से 3 दिन यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा इसका। और इस मिक्सचर को बनाकर आप 3 से 4 दिन इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। दालचीनी पिंपल को रिमूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये मिक्सचर अगर आप लगाएंगे तो 1 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी जलन होगी, बाद में वो दूर हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे आपके पिंपल 1 या 2 दिन में ही चले जाएंगे और आपको कोई क्रीम या कुछ यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ की ये बहुत ही नेचुरल है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आप इसी तरह से और DIY देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।